जबान के जश्न को मनाते हुए 10 साल हुए। दानिश्वर, अदीब, शायर आर्मी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जमा होते हैं। अदबी नशस्तें मुनक्किद की जाती हैं। किताबों का तारुफ, मकाले, मुशायरा और अदबी बैठकें इस कॉन्फ्रेंस की रौनकें बढ़ाती हैं। हर मामूली सा उर्दू का लफ्ज अगर आप कह रहे बेटा आपकी पेशानी पर रंग भरा है तो पलट कैसी है, किधर मेज भरा है। जितनी शक्लें हैं वो सब एक दूसरे से मुंसलिक हैं, मुत्तसिल हैं। किसी एक जलसे में इतने लोग जमा हों और इतने वाकई सारी दुनिया से आलमी सतह पर ये कम होता है। हमारा अदबी समाजी तनाजुर और ख्वातीन का किरदार, उर्दू शायरी एक मुतालियाती तनाजुर, पाकिस्तान में मुसव्वरी का इर्तकाई सफर, 10वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का खासा रही। हर तरह का आर्ट जो है फरोग पा रहा है, बहुत कोशिश की जा रही है कि ये फरोग पाता रहे, हर एक को मौका दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे पैमाने का आर्टिस्ट हो चाहे बड़े पैमाने। इन्हीं चीज़ों से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अवाम एक दूसरे से जुड़ते हैं, ज़बानें जुड़ती हैं, किताबें जुड़ती हैं एक दूसरे से, ये बहुत खुशी की बात है। सवाल यह है कि जब हम अपने घरों में खाना काबा की तस्वीर लगाते हैं तो क्या हम उन कमरों में दरोगोई और रियाकारी बंद कर देते हैं, या क्या हम उस तस्वीर का तवाफ शुरू कर देते हैं? नहीं ना, तवाफ के लिए तो मक्का ही जाते हैं। तो फिर गौतम बुद्ध के मुजस्मे से मुतालिक ये खदशा कितना दुरुस्त है कि हम खुदा ना खास्ता उसकी परस्तिश शुरू कर देंगे? क्या कहना। सात समंदर पार के अदीब भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दयार गैर में उर्दू से बेलौस मोहब्बत का सबूत देकर उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ सारी दुनिया से आए हुए अदीबों से मिलने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान में ये बहुत प्रोग्रेसिव काम है, पूरी दुनिया के आफाकी अदब या आलमगीरी अदब जिसे कहते हैं उसे ये लोग जमा करते हैं, हर मुल्क से मुख्तलिफ यूरोपियन अदब को भी इकट्ठा करते हैं। फनून लतीफ़ा में फन रक्स की भी अलग अहमियत है। फन रक्स की सूरत हाल पर भी एक नशिस्त रखी गई। रक्स में है सारा जहां। मारूफ क्लासिकी रक्कासा शीमा किरमानी और निगह चौधरी ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी। सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। उर्दू का आलमी जश्न मनाती ये कॉन्फ्रेंस 25 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ मलिका खान, जियो न्यूज़, कराची।